फरीदाबाद में दीक्षा स्माइल फाउंडेशन संस्था ने पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। आपको बता दें कि दीक्षा स्माइल फाउंडेशन के करीब 50 सदस्य केवल वॉलंटियर ही नहीं बल्कि ये सभी दोस्त भी हैं, जो आपस में रुपए इकट्ठा करके गरीब कन्याओं की शादी, गरीब बच्चों की पढ़ाई, जरूरतमंदों की मदद के साथ साथ लोगों को जागरूक करने का काम भी करते हैं। फाउंडेशन के सदस्यों ने पिछले 2 दिन में करीब 90 पौधे SGM नगर क्षेत्र के अंतर्गत लगाए हैं। वहीं लोगों को जूट के थैले भी वितरित किए और प्लास्टिक के बहिष्कार का संदेश दिया। हमारी कैमरा टीम ने दीक्षा स्माइल फाउंडेशन संस्था से बातचीत की, उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम दीक्षा स्माइल फाउंडेशन, हम 50 लोग बचपन के दोस्त हैं, उनमें सबसे हमारे प्रिय मित्र श्री नरेंद्र भल्ला जी, इनका हमेशा सेवा भावना, लोगों की सेवा करनी, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको किताबें चाहिए, उनको बैग चाहिए, उनको कोई भी जूट चाहिए, कईयों की फीस दी हम दीक्षा स्माइल फाउंडेशन ने, और ऐसे कई कार्य किए हैं, जिस बच्चे की बेटी की शादी करनी है वहाँ पर दीक्षा स्माइल फाउंडेशन ने अच्छा योगदान दिया है, बैग दिए हैं, वृद्धाश्रम में इन्होंने काफ़ी सहयोग किया है। ये हमारे मित्र, हम पहली क्लास से इकट्ठे पढ़ रहे हैं, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारे यहाँ चढ़ती कला ट्रस्ट वाले भी आए हुए हैं भाई मेरे, यहाँ पंजाबी सेवा दल से भी आए हैं, ये सारे मिलजुल कर सेवा कर रहे हैं, यहाँ से प्लांटेशन कर रहे हैं यहाँ पे, अभी यहाँ से लेके बुलाटो चौक से लेके और आपका चिमनी भाई धर्मशाला तक। ये संस्था हमने 50-60 दोस्तों के साथ से मिल के बनाई है, जिसमें हमने इन्हें 500 रुपये पर मंथ कंट्रीब्यूशन फीस रखी है। इनमें जब बाकी लोग हैं जो कोई 1000, कोई 2000, 1500, जो अपनी क्षमता अनुसार देता है, और हम क्या है, ये गरीब बच्चों स्ट्रीट चिल्ड्रंस के स्कूल हैं जहाँ पे, उनको अभी ये 21 A में 21 A में और एशियन पुल के पास गरीब बच्चों के स्कूल है जहाँ स्ट्रीट चिल्ड्रन पढ़ते हैं, वहाँ पे अभी हमने 35,000 की बुक्स दी, 37,000 की यूनिफॉर्म दी। एक और स्कूल सोना रोड पे है जिसमें डिसेबल और पुअर बच्चे, स्ट्रीट चिल्ड्रन 200 बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ की वाइट वॉशिंग के लिए हमने 55,000 रुपीज़ दिए। और इधर रोज गार्डन में 2 मैडम हैं, स्कूल टाइम अपना पूरा करके आती हैं और वो गरीब बच्चों को, स्ट्रीट चिल्ड्रन को, झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को पढ़ाती हैं, उनके लिए हमने 20,000 रुपये के बैग और बुक्स, एवरीथिंग, बोर्ड सब प्रोवाइड करा। सैदपुर गांव में है जहाँ बच्चों के बैठने के लिए टाट भी नहीं है सरकारी स्कूल, वहाँ हमने कारपेट दिए उनको 20,000 रुपये। और एक 1500 बच्चों का स्कूल है लड़कियों का ओल्ड फरीदाबाद, वहाँ पे हमने 52,000 रुपये की बैटरियाँ और इन्वर्टर दिया, जहाँ पे 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं उसके लिए बैटरी बैकअप नहीं था, हमने वो दिया। इस तरीके वृद्धाश्रम मैदाना रोड पे पाली में, वहाँ पे हमने 40,000 रुपये बिल्डिंग के रिपेयरिंग मेंटेनेंस के लिए, जहाँ 22 वृद्ध रहते हैं। इस तरीके से सीकरी में है वृद्धाश्रम, वहाँ पे हमने डोनेट किया, वहाँ पे कुर्सियाँ, सिंगर सिलाई मशीन जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे हमने, वहाँ पे वो खोल रखा है ट्रेनिंग सिलाई सेंटर, और वो देते हैं। और गरीब लड़कियों की शादियों में उनमें जो भी हेल्प हो सकती है हम करते हैं, और जो गरीब बच्चे हैं जिनकी फीस कहीं कॉलेज में पढ़ता है, कहीं और जगह जाता है, तो हम वो जाके, तो हमें पता लगता है कि वो गरीब होना चाहिए, तो हम देते हैं। और ट्री प्लांटेशन हमने मेला थाने में 100 पौधे लगाए, 100 पौधे नहर पार लगाए, रोज गार्डन में 30 पौधे, अभी यहाँ पे कल और आज में 90-90 पौधे लगाए हैं। बुल्ला होटल से द्वार मस्जिद और आज यहाँ पे बुल्ला होटल टू चिमनी बाई 50 पौधे, और हर टाइप ऑफ वर्क करते हैं, कोई भी आदमी हमें इसके लिए, इसके बैड पार्क से लिखा है से नो टू प्लास्टिक, और इस पर एड्रेस लिखा हुआ है, किसी गरीब लड़की के लिए, शादी के लिए, या किसी गरीब बच्चे के लिए, कोई भी काम करने के लिए आप हमारी संस्था को इन नंबर पर कॉल करें। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।